Good morning, dear students. In the previous video of this chapter, we have read that there was a respected priest in the temple in the hills of Assam. He was searching for a worthy successor. He gave this responsibility to Gopan, who was the caretaker of the temple, and passed away. Gopan invited the young man from the village for the interview, and there was a young man who was badly hurt and came late for the interview. Yes, dear students, let's start the further story of this chapter. "Please, sir, don't worry about me. Yes, it was my dearest wish to be the temple priest here, but I know I am very late for the interview." जब गोपन ने पूछा कि आप इंटरव्यू के लिए आए हो, आपको इतनी चोट लगी हुई है, तो उस यंग मैन ने क्या बोला? "प्लीज़ सर, डोंट वरी अबाउट मी। प्लीज़ सर, मेरी चिंता मत करो। मैं दिल से चाहता था कि मैं इस टेंपल का पुजारी बनूं, पर मुझे पता है कि मैं इंटरव्यू के लिए बहुत लेट पहुंचा हूं। बट वट हैपन्ड टू यू? वर यू अटैक्ड ऑन योर वे हेयर? डोंट यू फॉलो द सेम रूट एज अदर्स? पर तुम्हारे साथ क्या हुआ? क्या तुम पे किसी ने अटैक कर दिया रास्ते में? क्या तुमने ये वो सेम रूट फॉलो नहीं किया जिस रूट से बाकी सब आए हैं?" "इनडीड आई डिड." अब वो क्या बोल रहे हैं यंग मैन? "यस, मैंने यही किया, वही रूट फॉलो किया जो बाकियों ने किया। बट द माउंटेन पाथ वॉज फुल ऑफ थॉर्नी बुशेज एंड शार्प स्टोन्स। पर जो ये माउंटेन का जो रास्ता है, ये किस चीज़ से भरा हुआ है? यहाँ बुशेज, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं और शार्प स्टोन्स हैं। सो आई डिसाइडेड टू क्लियर इट। सो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इस पाथ को, इस रास्ते को क्लियर कर दूँ, साफ कर दूँ। नाउ पीपल कैन कम टू द टेम्पल विदाउट गेटिंग हर्ट। अब लोग इस टेम्पल में आ सकते हैं बिना किसी, बिना हर्ट हुए, बिना चोट खाए। ऑन द वे, रास्ते में अब उनके, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट इज़ वाई आई एम लेट। इसलिए मैं लेट हो गया। गोपन वॉज फिल्ड विद वंडर। अब गोपन को बहुत हैरानी हुई है सुन के, वो बहुत सरप्राइज्ड हुआ। द वाइस वंस ओल्ड केम बैक टू हिम। जो वाइस ओल्ड वन के, जो पहले वाले जो प्रीस्ट के जो वर्ड्स थे, उन्होंने बोला था कि वर्दी सक्सेसर तुम्हें ढूंढना है, तो वो उनके वर्ड्स जो हैं अब गोपन के दिमाग में आ रहे थे। "मेक श्योर दैट ओनली अ ह्यूमेन पर्सन इज चोजन एज द प्रीस्ट ऑफ दिस टेम्पल। द होली मैन कुडंट हैव बीन क्लियरर। जो पहले वाले प्रीस्ट थे, उन्होंने अपनी डेथ से पहले क्या बोला था उनसे, कि ध्यान रहे कि प्रीस्ट कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जो इस सुटेबल पर्सन होना चाहिए जो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा पाए। सन, ऑन सीइंग यू आई नो व्हाट द वाइस प्रीस्ट वॉज टॉकिंग अबाउट। अब वो गोपन क्या बोल रहे हैं, बेटे तुम्हें देखकर अब मुझे पता लग गया कि वो जो प्रीस्ट थे वो मुझे क्या कहना चाहते थे। यू आर द चोजन वन, यू आर द न्यू प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल। तुम्हें चूज किया जाता है, अब तुम इस मंदिर के नए प्रीस्ट, नए पुजारी हो। वट, वट डू यू मीन? वाई डू यू चूज दिस यंग मैन हु वॉज लेट फॉर द इंटरव्यू? अब बाकी सब पूछ रहे हैं गोपन से, तुम्हारा क्या मतलब है, तुमने उसे चूज़ कर लिया और हम सबको चूज़ क्यों नहीं किया? तुमने उस यंग मैन को चूज़ किया जो इंटरव्यू के लिए इतनी लेट आया था। टुडे All of you climbed the same dangerous path to get here on time. आज तुम सब ने इस पाथ, इस डेंजरस रास्ते को क्रॉस किया है यहाँ टाइम पे पहुँचने के लिए। But only one of you thought of his fellow beings. पर तुम में से सिर्फ एक ने ही, एक ऐसा सोचा अपने फेलो बींग्स, अपने साथियों के बारे में, एंड took up the task of clearing the path. और कौन सा काम किया? इस रास्ते को साफ करने का। He did this to make it easier for those who wish to pray at the temple. उसने ये किस लिए किया? उन लोगों के लिए जो इस टेम्पल में आकर प्रेयर करना चाहते हैं। As a result, this young man got the chance to be selected as a priest here. इसलिए इस यंग मैन को इस टेम्पल का प्रीस्ट बनने का चांस मिल गया।
Yes, he is right. That's true. We agree. He deserves to be the one. अब बाकी जो लोग हैं आसपास के वो भी क्या बोल रहे हैं? Yes, he is right. कि गोपन ठीक बोल रहा है, ये बात बिल्कुल सही है, हम उसकी बात से अग्री करते हैं. अब इस यंग मैन को ही यहाँ का प्रीस्ट होना चाहिए. थैंक यू वाइस मैन. आई वुड नेवर हैव नोन बेटर इफ़ नॉट फॉर योर वर्ड्स ऑफ विजडम. अब गोपन क्या बोल रहे हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं, वो पहले वाले प्रीस्ट से जैसे वो बात कर रहे हैं. थैंक यू वाइस मैन, वाइस वन, अगर आप मुझे नहीं बताते तो मैं कभी भी आपके इन वर्ड्स को, इन बातों को नहीं समझ पाता. ऑल दीज फाइन यंग मैन वुड हैव मेड परफेक्ट प्रीस्ट. ये जितने भी यंग मैन आए थे ये सब परफेक्ट प्रीस्ट बन सकते थे. बट ओनली वन, अ ट्रूली गुड ह्यूमेन पर्सन कुड हैव बीन योर वर्दी सक्सेसर. सिर्फ ये सच्चे मायने में, सही मायने में सिर्फ यही एक पर्सन है जो आपका वर्दी सक्सेसर बन सकता था, जो आपके गुड वर्क को कंटिन्यू कर सकता है. यस डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. ट्राई टू फाइंड आउट द बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.